वेलकम ऑल ऑफ यू, ये मैं स्टूडेंट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पी टेस्ट ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल का एक टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका यूज हम बहुत करेंगे आने वाले टॉपिक्स में, जिससे कि कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस हम चेक कर सकें। तो आइए इसके सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। बिफोर दिस माई वीडियोज में आप चाहूँगा कि आपका जो वैल्यूएबल फीडबैक है ज़रूर आप प्रोवाइड करिए। करना है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो आइए हम पहले इसके स्टेटमेंट पे देखते हैं। तो इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म ए टू इन्फिनिटी वन अपॉन एक्सेस टू पी डी एक्स, ठीक है, वेर ए इज ग्रेटर देन ज़ीरो। ए का मान क्या है? ज़ीरो से बड़ा है। तो अब इसी को हमें चेक करना है कि ये कन्वर्जेंस कब होगा। कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस की कंडीशंस को हमें यहाँ फुलफिल करना है। तो सबसे पहले हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू को ही फाइंड करना होगा, तब हम जा कर के आगे बात कर पाएंगे। तो ए टू इन्फिनिटी वन अपॉन एक्सेस टू पी डी एक्स। तो आइए इसकी वैल्यू को हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो जो प्रोसीजर है, लिमिट यहाँ पे टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट कर लिया, तो अपर लिमिट हमारा चेंज हो जाएगा अप टू टी, और वहाँ यहाँ माइनस पी डी एक्स, इस वाले पी को न्यूमरेटर्स में लेके जाएंगे। इंटीग्रेट कर लीजिए, लिमिट टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स के पावर माइनस पी प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस पी प्लस वन, लिमिट ए टू टी, ठीक, वन अपॉन वन माइनस पी हियर हो गया, एंड लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फाइनाइट, इसको अगर हम न्यूमरेटर्स में ले आ लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एक्स के पावर, डिनोमीटर्स में ले आएंगे तो ये हो जाएगा पी माइनस वन, ठीक, और लिमिट ए टू टी, ठीक। रीअरेंजमेंट, वन अपॉन वन माइनस पी, लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फाइनाइट, तो वन अपॉन टी के पावर पी माइनस वन, और माइनस वन अपॉन ए के पावर पी माइनस वन, दिस इज वन। इंटीग्रल की वैल्यू होगी ए टू इन्फिनिटी वन अपॉन एक्स के पावर पी डी एक्स, ये वैल्यूज होगी। अब इसी को हमें, जो हमारे पास तीन कंडीशंस बनेगी, पी की तीन कंडीशंस हमारे पास अराइज होगी, कौन कौन सी, पी इक्वल टू वन, पी लेस देन वन, पी ग्रेटर देन वन। इन तीनों कंडीशंस पे हमें फोकस करनी है। इक्वल टू ज़ीरो ने, इक्वल टू वन की बात होगी यहाँ पे, नॉट ज़ीरो, पी इज इक्वल टू वन की बात होगी, पी इक्वल टू वन, पी लेस देन वन एंड पी ग्रेटर देन वन। तो आइए फर्स्ट चेक करते हैं, फर्स्ट पी इक्वल टू वन, तो यूजिंग वन, वन पर फोकस कर लीजिए यहाँ पे। तो ए टू इन्फिनिटी वन अपॉन एक्स रेस्ट टू पी डी एक्स वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, जैसे इस पोर्शन पे यहाँ पर रखिए, सो इट विल बी ज़ीरो, वन डिनोमीटर ज़ीरो, मतलब मिलेगा वन बाई ज़ीरो, सो वी गेट द इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट जब इंटीग्रल की वैल्यू मिलती है तो इसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट, ठीक। तो फॉर पी इक्वल टू वन दिस इज डाइवर्जेंट। अब दूसरा पी लेस देन वन, ठीक, पी लेस देन वन के लिए आप ए टू इन्फिनिटी वन अपॉन एक्स रेस टू पी डी एक्स, ध्यान देखिएगा पी का मान एक से छोटा है, तो फर्स्ट टर्म ये आई टी टीज रहेगा यहाँ पर, लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फाइनाइट। अब आते हैं, पी का मान जो है वन से छोटा है, तो अब इसको हमें क्या लिखना है, वन अपॉन टी, और यहाँ पर माइनस कॉमन करके लिख लीजिए वन माइनस पी, ठीक, माइनस वन अपॉन ए के पावर वन माइनस पी, माइनस कॉमन, ठीक है, यूजिंग वन, ये जो समीकरण है इसको यहाँ से रीअरेंज किया,
तो अब 1 अपॉन 1 माइनस पी लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और इसको आप न्यूमरेटर में लेके जा सकते हैं, अब टी के पावर 1 माइनस पी, एक माइनस ए के पावर 1 माइनस पी, क्योंकि पी की वैल्यू ऑलरेडी 1 से छोटी है तो ये ऑलरेडी ठीक है। अब अगर इस पे आप लिमिट को अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई लिमिट, अप्लाई लिमिट, सो वी गेट, ये अप्लाई लिमिट जैसे करेंगे तो ये हमें टोटली मिल जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है। सो इट आल्सो कंसीडर डाइवर्जेंट, ठीक है। तो इनमें जो इंटीग्रल की वैल्यू हो गई पी लेस देन वन के लिए भी क्या हो गई, अब डाइवर्जेंट हो गई डीएक्स, ठीक। तो इन दोनों के लिए मतलब ये डाइवर्जेंट हो गया कि पी इज लेस देन वन, सो दिट इज डाइवर्जेंट। थर्ड कंडीशन पी ग्रेटर देन वन, तो पी ग्रेटर देन वन के लिए अब हम आते हैं। तो हमारे पास जो इंटीग्रल है ए टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स के पावर पी डी एक्स इज इक्वल टू जो हमारे पास है 1 अपॉन 1 माइनस पी लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फाइनाइट 1 अपॉन टी के पावर पी माइनस 1 और 1 अपॉन ए के पावर पी माइनस 1। तो अब कह रहे पी ग्रेटर देन 1, तो पी ग्रेटर देन 1 मतलब यहाँ पर जस्ट निगेटिव मिलेगा हमें, या इसको आप कॉमन कर लीजिए तो 1 अपॉन पी माइनस 1 हो गया। लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी एट इट इज़ नो प्रॉब्लम, सो टी पावर पी माइनस 1 और माइनस 1 अपॉन ए पावर पी माइनस 1। सो पुट द वैल्यूज, अप्लाई लिमिट कर दीजिए तो 1 अपॉन पी माइनस 1 और यहाँ पर कर देंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी आ जाएगा और माइनस 1 अपॉन ए पावर पी माइनस 1। सो टोटली वैल्यूज मिल गई इस पी माइनस 1 और फिर ए के पावर पी माइनस 1, जो कि वैल्यू क्या मिलेगी फाइनाइट। और जैसे फाइनाइट मिल गया तो ये हो गया कन्वर्जेंस। तो अब जो कंक्लूजन हमारा मिल गया कि जो रिजल्ट हमारे पास है पी टेस्ट ए टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स रेस टू पी डी एक्स, ठीक। अब जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बनेगी यहाँ पे पी ग्रेटर देन 1 एंड पी लेस देन आर इक्वल टू 1, ठीक। तो पी ग्रेटर देन 1 कन्वर्जन, एंड लेस देन आर इक्वल टू पर डाइवर्जन। ये आपको ध्यान रखना है वेयर ए इज ग्रेटर देन 0, ए का मान 0 से बड़ा है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन टॉपिक है, इसी को हमें प्रूफ कर लिया। अब आते हैं इसके क्वेश्चन पर कुछ, आइए क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमने कर लिया कि 1 टू इन्फिनिटी, पहला 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स के पावर 3/2 डी एक्स, ठीक। तो अब इसका जो है ना जनरली कंपेयर कर दीजिए ए टू इन्फिनिटी और 1 अपॉन एक्स रेस टू पी डी एक्स है, सो पी इज इक्वल टू हो गया 3/2 इज ग्रेटर देन 1, ठीक सिंपली। और ए ऑलरेडी 1 है, मतलब ए जो इक्वल टू 1 है ग्रेटर देन 0 है। तो बाय पी टेस्ट ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, पी टेस्ट ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल विच इज कन्वर्जन, ठीक है सिंपली बस हो गया इतना ही, और कुछ नहीं करना था इसमें सिंपल। 2 टू इन्फिनिटी कर लीजिए 1 अपॉन एक्स के पावर 4 डी एक्स, सो विच इज आल्सो on compared to this a to infinity 1 upon x raised to p dx, p is equal to 4 greater than 1, so this is convergent। देख थर्ड की बात कर लें, और कोई क्वेश्चंस, 1 to infinity 1 upon x dx, तो इसकी जो कंपेयर करेंगे a to infinity से 1 upon x raised to p से,
पी इज इक्वल टू वन हो गया, और पी इज इक्वल टू वन के लिए हम कहते हैं डाइवर्जेंट। ये है तरीका इस तरह के क्वेश्चंस को हम पी टेस्ट का कैसे यूज करेंगे, ये एक सिंपल सा मेथड। थैंक यू।